हेलो स्टूडेंट, मायसेल्फ अमोल मानकर, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर. इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 3 एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज टेस्ट प्लानिंग. आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3 जिसके अलोकेटेड मार्क्स है 14 मार्क्स और आज का जो टॉपिक होगा वो रहेगा हमारा टेस्ट प्लानिंग. दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर. Understand the test planning. After completion of this lecture, we will able to understand what is exactly test planning. जब भी हमको software की testing अगर start करना है तो हमको proper planning के साथ में जाना पड़ेगा और आज के lecture में हम test planning के बारे में discuss करने वाले हैं. Prerequisite. आज के lecture के लिए prerequisite रहेगा types and levels of testing जो हम unit number 2 में discuss कर चुके हैं. So what is exactly test planning? अगर हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आफ्टर डेवलपिंग अ फाइनल कोड हमको टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से हम टेस्ट नहीं कर सकते. दैट मीन्स हम कुछ चीज़ें मिस कर सकते या फिर हम रिपीटेड सेम चीज़ को नंबर ऑफ टाइम टेस्ट कर सकते या फिर जो हमारी स्ट्रैटर्जी होगी वो स्ट्रैटर्जी को हम सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास में प्रॉपर टेस्ट प्लानिंग नहीं होगी. सो The goal of software tester is to find the bugs, find them as early as possible and make sure that they get fixed. Software tester का role क्या रहेगा? To find the maximum bugs. जैसे कि हम testing की definition पढ़ चुके, सिर्फ software में जो errors है उसको solve करना मतलब हमारा software testing नहीं होगा. Correct software testing की definition क्या होगी? Try to find out the maximum error in a software and solve it. Software tester का काम क्या रहेगा? वो ट्राई करेगा टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एरर्स. व्हाई? बिकॉज जितने नंबर ऑफ एरर्स हम फाइंड आउट कर पाए उतनी ही हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेस्ट होने वाली है. तो सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम क्या रहेगा? टू फाइंड द बग्स और साथ में आफ्टर फाइंडिंग द बग्स ट्राई करेगा सॉफ्टवेयर टेस्टर कि इसको उस बग को सॉल्व करे और उस बग को फिक्स कर ले. टू अचीव द गोल थ्रू प्रॉपरली कम्युनिकेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड द टेस्ट एफर्ट विल वेल कंस्ट्रक्टेड टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट रिपोर्ट. अगर सॉफ्टवेयर टेस्टर का गोल रहेगा टू फाइंड अ बग और फाइंड देम एज अर्ली एज पॉसिबल एंड मेक श्योर दैट दे गेट फिक्स, या अगर हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टर का रोल है गोल रहेगा तो उस गोल को अचीव करने के लिए वो किस तरीके से अचीव कर पाएगा? थ्रू द प्रॉपरली कम्युनिकेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड द टेस्ट एफर्ट. जो भी वो टेस्ट एफर्ट लेने वाला है वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए विथ वेल कंस्ट्रक्टेड टेस्ट प्लान. कि जो भी वो सारी चीज़ें करने वाला है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए वो वेल कंस्ट्रक्टेड प्लान होनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे टेस्ट प्लान. इसके साथ में टेस्ट केसेस उसके पास में सही तरीके से होनी चाहिए और टेस्ट रिपोर्ट्स भी उसने सही तरीके से डिजाइन करना चाहिए फॉर अचीविंग द गोल. अ सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द टेस्टिंग स्कोप एंड एक्टिविटीज. इट इज अ बेसिस फॉर फॉर्मली टेस्टिंग एनी सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इन अ प्रोजेक्ट. तो सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान क्या रहेगा? इट्स वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब करेगा टेस्टिंग स्कोप एंड उसकी एक्टिविटी, उसकी स्कोप क्या रहेगी और उसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं. इट इज द बेसिस फॉर फॉर्मली टेस्टिंग एनी सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इन अ प्रोजेक्ट. और यह हमारा बेसिक रहेगा फॉर टेस्टिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स अगर हमको टेस्टिंग करनी है तो वहां पे हमको सबसे पहले करना पड़ेगा टेस्ट प्लानिंग. इट आइडेंटिफाइज ऑफ टेस्ट एटम विच फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन टू बी टेस्टेड द डिफरेंट टेस्टिंग टास्क हु विल परफॉर्म द रिस्पेक्टिव टास्क एंड पॉसिबल रिस्क एंड देयर करेक्टिव मेजर. इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे टेस्टिंग में आ सकती है वो हमको टेस्ट प्लानिंग में पता चलेगी. उसके लिए करेक्टिव मेजर हम क्या क्या ले सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल रहेगी. इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा कि अगर हमको आउटडोर जाना है मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो हम उस चीज़ की सारी प्लानिंग पहले से कर लेते हैं. दैट मीन जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ का वेदर कैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम सारे चीज़ें हमारे कलेक्ट कर लेते हैं. सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ टेस्टिंग. कि अगर मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो टेस्टिंग में भी हमको वही करना पड़ेगा कि अगर हमको टेस्टिंग स्टार्ट करना है तो टेस्टिंग के लिए जो जो चीज़ें हमको परफॉर्म करना है उन सारी चीज़ों की प्लानिंग हमको यहाँ पे करना पड़ेगा. वाई? क्योंकि जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि
डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टेस्टिंग के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है एज कम्पेयर टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसीलिए यहाँ पे हमको टेस्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, यही यहाँ पे हमको यहाँ पढ़ना है। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटी डन एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट प्लानिंग, जो हमको यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है, हमने अभी देखा प्रीवियस स्लाइड में व्हाट इज एग्जैक्टली टेस्ट प्लानिंग। सो इट्स अ वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब करता है हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्कोप एंड उसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले। बट अभी हर एक एक्टिविटी को हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना होगा इन टेस्ट प्लानिंग, एंड दीज आर द मेजर एक्टिविटी जो हम टेस्ट प्लानिंग में परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन, प्रिपेयरिंग अ टेस्ट प्लान। हम प्रॉपर तरीके से सबसे पहले टेस्ट प्लान पर प्रिपेयर करेंगे। हमको स्कोप मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। डिसाइडिंग द टेस्ट अप्रोच, हम किस अप्रोच को फॉलो करते हुए टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सेटिंग अप द क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग, हमको क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेस्टिंग टीम में जो भी पर्सन रहेंगे, जो भी एम्प्लॉयज रहेंगे, उस हर एक एम्प्लॉय की हमको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट करके देनी पड़ेगी। स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग, कितने स्टाफ की हमको जरूरत पड़ेगी, उनको कौन से टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट प्लानिंग, जो हमको परफॉर्म करना पड़ेगा कि हमको किस किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। टेस्ट डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे ये हमको पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज टेस्टिंग टास्क, हमारी क्या रहेगी ये हमको यहाँ पे पता होना चाहिए अंडर फॉर डिजाइनिंग अ फॉर प्लानिंग अ टेस्ट। सो दीज आर द मेजर एक्टिविटी डन एज अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट प्लानिंग। नाउ वी विल सी ईच वन इन डिटेल। सो आवर फर्स्ट एक्टिविटी इज प्रिपेयरिंग अ टेस्ट प्लान। सो यहाँ पे हमको अगर टेस्ट प्लानिंग अगर करनी है तो हम टेस्ट प्लान को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। राइटिंग टेस्ट प्लान इज वन ऑफ द प्राइमरी टास्क इन टेस्टिंग। While writing a test plan, you specify the scope and objective for the testing are specified. It usually includes the scope, methodology, requirements and criteria for the pass, fail and the schedule. अगर हमको यहाँ पे टेस्ट प्लान करना है, प्रिपेयर करना है टेस्ट प्लान, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। सो सबसे पहले ये तो हमारा प्राइमरी टास्क होगा टेस्टिंग का, और जब हम टेस्ट प्लान करेंगे तो हमको उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, स्कोप के साथ में हम मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करने वाले, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हमको सेट करना पड़ेगा क्राइटेरिया फॉर द पास एंड फेल फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट केसेस, और उस टेस्ट केसेस का हमको यहाँ पे सही तरीके से शेड्यूल रखना पड़ेगा। हम किसी एक चीज़ के पीछे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे अलॉट नहीं कर सकते, इसलिए हर एक चीज़ का यहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी आएगी अंडर द प्रिपेयरिंग अ टेस्ट प्लान। यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, सो व्हाट नीड टू बी टेस्टेड एंड हाउ द टेस्टिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म, किस चीज़ों को हमको टेस्ट करना पड़ेगा, और ये जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करने वाले हैं वो किस तरीके से हम परफॉर्म करने वाले, इसके बारे में हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। व्हाट रिसोर्सेस आर नीडेड फॉर द टेस्टिंग, अगर हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो ऐसे कौन से रिसोर्सेस है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, वो हमको टेस्ट प्लान में डालना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे टेस्ट प्लान टाइप्स की बात करूँ, सो वन कैन हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्ट प्लान। सो फर्स्ट वन इज मास्टर टेस्ट प्लान, अ सिंगल हाई लेवल टेस्ट प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट दैट यूनिफाइज ऑल द अदर टेस्ट प्लान। एक सिंगल हाई लेवल टेस्ट प्लान जो रहेगा उसको हम बोलते हैं मास्टर टेस्ट प्लान, उसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी। सेकेंड वन इज टेस्टिंग लेवल स्पेसिफिक टेस्ट प्लान, प्लान फॉर ईच लेवल ऑफ टेस्टिंग। हम एक सेकेंड वे से भी जा सकते, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ देर आर बेसिकली फोर लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद में सिस्टम टेस्टिंग एंड लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो हम लेवल वाइज भी टेस्ट प्लान यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ टेस्ट प्लान। एंड थर्ड वन इज टेस्टिंग टाइप स्पेसिफिक टेस्ट प्लान, प्लान फॉर द मेजर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग लाइक परफॉर्मेंस टेस्ट प्लान एंड सिक्योरिटी टेस्ट प्लान। स्पेसिफिक टेस्ट प्लान मीन्स वॉट, कि हम स्पेसिफिक टेस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट प्लान को यूज यहाँ पे कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थ्री टेस्ट प्लान टाइप्स। इसमें से हम किसी भी प्लान को फॉलो कर सकते हैं, और इनमें से ही हम प्लानिंग
प्लान को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे हमारा फाइनल टेस्ट प्लान. सो दीज आर द बेसिक थिंग जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे अंडर द प्रिपेयरिंग अ टेस्ट प्लान, जहाँ पे हमको हमारे सॉफ्टवेयर जिसको हम टेस्ट करने वाले उसके स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. उसके साथ में हमको स्कोप के बारे में सोचना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, क्राइटेरिया भी सेट करना पड़ेगा पास एंड फेल के लिए, और फाइनली उन सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे शेड्यूल भी करना पड़ेगा. हम यहाँ पे सोचने वाले क्या कि हमको क्या टेस्ट करना है और किस तरीके से करना है और कौन से रिसोर्सेज की हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी. सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म अंडर द टेस्ट प्लानिंग, जिसका नाम रहेगा यहाँ पे प्रिपेयरिंग अ टेस्ट प्लान. सेकेंड वन इज द स्कोप मैनेजमेंट. सो वॉट इज एग्जैक्टली स्कोप मैनेजमेंट? विद द हेल्प ऑफ स्कोप मैनेजमेंट वी कैन अवॉइड द कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्कोप प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट. दैट मीन्स जो हमारे रिक्वायरमेंट की लिस्ट होगी उस लिस्ट में हमारे रिक्वायरमेंट्स और बढ़ सकती है, तो ये ज़रूरी होगा कि कहीं ना कहीं हमको उसको मैनेज करना पड़ेगा. सो इन स्कोप मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. इन द प्रोजेक्ट स्कोप वी यूजुअली डिफाइन व्हाट इज इंक्लूडेड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट ऑफ द सिस्टम. हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिफाइन करेंगे कि हमको क्या यहाँ पे इंक्लूड करना है और क्या हमको इसमें इंक्लूड नहीं करना है. बिकॉज अगर हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द टाइम अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ द सॉफ्टवेयर हमको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या यहाँ पे इंक्लूड करना है और क्या चीज़ हमको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है. दैट मीन्स इन शॉर्ट कि हमको यहाँ पे अवॉइड करना है कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. सो वॉट एग्जैक्टली इंक्लूड इन द स्कोप मैनेजमेंट? सो स्कोप मैनेजमेंट इंक्लूड द ऑब्जेक्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. हम यहाँ पे स्कोप मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. जो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव होंगे और उसके रिक्वायरमेंट होंगे वो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे. ब्रेकिंग डाउन द रिलीजेस इनटू फीचर्स रिस्क एंड कंस्ट्रेंट. जो हम रिलीज यहाँ पे करने वाले उस रिलीज को हम ब्रेक डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू द फीचर्स रिस्क एंड उसके कंस्ट्रेंट के हिसाब से. गिविंग प्रायोरिटी टू द फीचर्स ऑफ द टेस्टिंग. हम टेस्टिंग की को एक प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि ये टेस्टिंग हमको पहले करना पड़ेगा, ये टेस्टिंग हमको उसके बाद में करना पड़ेगा. दैट मीन्स गिविंग प्रायोरिटी टू द फीचर्स ऑफ द टेस्टिंग, और ये डिपेंड रहेगा फीचर्स ऑफ द टेस्टिंग के ऊपर में. डिसाइडिंग विच फीचर्स विल बी टेस्टेड एंड विच विल नॉट बी. हमको ये भी डिसाइड यहाँ पे करना पड़ेगा स्कोप मैनेजमेंट में कि कौन से फीचर्स को हमको टेस्ट करना है, कौन से फीचर्स को हमको टेस्ट नहीं करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोच. द चॉइस ऑफ टेस्ट अप्रोचेस और टेस्ट स्ट्रेटजी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ द टेस्ट एफर्ट एंड एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट प्लान एंड एस्टिमेट. दिस फैक्टर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टर एंड टेस्ट लीडर. बी डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोचेस मीन्स वॉट, कि अगर हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो देर आर वेरियस अप्रोचेस आर अवेलेबल. सो आउट ऑफ दिस अप्रोचेस वी हैव टू सिलेक्ट पर्टिकुलर वन फॉर परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो हमको यहाँ पे एक परफेक्ट अप्रोच को सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग. और ये जो फैक्टर होगा इस अप्रोचेस का वो किसके अंडर में रहेगा, टेस्टर एंड द टेस्ट लीडर. सो फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ टेस्ट स्ट्रेटजी दैट आर कॉमनली फाउंड. सो दीज आर, फर्स्ट वन इज एनालिटिकल. सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच जिसका नाम होगा एनालिटिकल. अभी एनालिटिकल में हम क्या करेंगे, द रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ रिस्क एनालिसिस यूजिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट एंड स्टेक होल्डर इनपुट देन प्लानिंग एस्टिमेटिंग डिजाइनिंग एंड प्रायोरिटाइज द टेस्ट बेस्ड ऑन द रिस्क. हम एनालिटिकल में क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पे रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं किस चीज़ का यूज करते हुए, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, स्टेक होल्डर इनपुट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद में हम प्लानिंग करेंगे, एस्टिमेटिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे और प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे टेस्ट की. और ये चीज़ बेस रहेंगे हमारे रिस्क के ऊपर में. जिस रिस्क का हम एनालिसिस कर रहे हैं उस रिस्क के ऊपर में ये चीज़ यहाँ पे डिपेंड रहेगी. सो अगर मैं इस मेथड को यूज करता हूँ तो ये मेरा होगा फर्स्ट स्ट्रेटजी फॉर डिसाइडिंग द टेस्ट अप्रोच. सो दिस इज द एनालिटिकल.
Second one is model phase. During the requirement and design phase of the project, some formal and informal models are created. If the result of suit, that means system under test, is equal to the result of model, then it is concluded that system is working according to that model. यहाँ पे क्या बोला हुआ है मॉडल बेस में कि ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन फेज जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके सम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मॉडल आर क्रिएटेड. जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मॉडल यहाँ पे क्रिएट होते हैं हम उस फॉर्मल और इनफॉर्मल मॉडल का यूज यहाँ पे कर सकते हैं फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग. सो दिस इज द अनदर स्ट्रेटजी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर डिसाइडिंग द टेस्ट अप्रोच. नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज मेथोडिकल. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा यू माइट हैव अ चेक लिस्ट दैट यू हैव पुट टूगेदर ओवर द ईयर दैट सजेस्ट द मेजर एरियाज ऑफ टेस्टिंग टू रन और यू माइट फॉलो एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी सच एज ISO 9126 फॉर योर आउटलाइन ऑफ द मेजर टेस्ट एरियाज. दैट मीन्स वॉट कि हर एक इंडस्ट्री की खुद की एक चेकलिस्ट होगी जो नंबर ऑफ ईयर्स से बहुत सालों से वो यूज कर रहे फॉर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर. हम उस तरीके को भी यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे मेथोडिकल. सो दिस इज द अनदर स्ट्रेटजी इन डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोचेस. नेक्स्ट वन इज डायनामिक. डायनामिक में क्या होगा तो डायनामिक स्ट्रेटजी सच एज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हैव इन कॉमन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फाइंडिंग एज मेनी डिफेक्ट एज पॉसिबल ड्यूरिंग द टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड अडेप्टिंग टू द रियलिटीज ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट एज इट इज व्हेन डिलीवर्ड. मीन्स वॉट कि ड्यूरिंग टेस्टिंग हम ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एरर. अगर हम इस तरीके से काम कर अगर हमको इस तरीके से टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो हमको यहाँ पे डायनामिक स्ट्रेटजी को यूज करना पड़ेगा जो हमारा पार्ट रहेगा डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोच का. सो दिस इज अनदर अप्रोच जिसका नाम है डायनामिक जिसमें क्या होगा कि ड्यूरिंग टेस्टिंग हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एरर्स. नेक्स्ट वन इज प्रोसेस और स्टैंडर्ड कंप्लायंट. That means you might adopt the IEEE 829 standard for your testing. So IEEE 829 क्या है एक स्टैंडर्ड होगा. सो ऐसे नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है तो हम इस स्टैंडर्ड को यूज करते हुए एडॉप्ट करते हुए हमारी टेस्टिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज द अनदर स्ट्रेटजी अंडर डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोच. एंड द लास्ट वन इज रिग्रेशन एवर्स. दैट मीन्स यू माइट ट्राई टू ऑटोमेट ऑल द टेस्ट of system functionality so that whenever anything changes you can rerun every test to ensure nothing has broken. That means हम यहाँ पे क्या करेंगे सारे के सारे टेस्टिंग जो है वो automated testing tool का use करते हुए perform करेंगे. That means अगर कोई error अगर यहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे उसको update करके rerun करेंगे किस चीज़ के लिए to ensure nothing has broken. जैसा हमने regression testing में पढ़ा हुआ है कि रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि अगर कोई एरर आया हुआ है तो हम उस एरर को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग द एरर हम क्या करेंगे फिर से टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर को कि वो जो एरर जनरेट हुआ था वो सॉल्व हो चुका है या नहीं. लेकिन साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि अगर वो एरर सॉल्व हुआ है तो उस एरर सॉल्व होने के बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये हम रिग्रेशन टेस्टिंग में चेक कर रहे थे. सो यहाँ पे अगर मैं रिग्रेशन एवर्स स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल का यूज करके सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम भी आया है तो हम क्या करेंगे सेम टेस्ट केसेस को रीरन करेंगे नंबर ऑफ टाइम. सो दिस इज द अनदर स्ट्रेटजी यूज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस जो हमारे हमको मदद करेगा टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर वे फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. नेक्स्ट वन इज सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर द टेस्टिंग. सो हमको यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए. दिस सेक्शन डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ क्राइटेरिया इंक्लूड टेस्ट टू पास और फेल व्हेन टू सस्पेंड टेस्टिंग प्रोसेस और व्हेन टू रिज्यूम. दिस गिव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू टेस्टर व्हाइल परफॉर्मिंग द टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन. यहाँ पे क्या होगा हमको क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा टेस्टिंग के पास के लिए टेस्टिंग के फेल के लिए. हमको यहाँ पे ये डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि कब हमको टेस्टिंग को सस्पेंड करना है कब उसको रिज्यूम करना है और ये सारी चीज़ें हमारे टेस्टर को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि हमको ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या परफॉर्म करना है. सो ये जो क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पे वो है फर्स्ट वन इज पास और फेल क्राइटेरिया. हमको डिसाइड करना पड़ेगा पासिंग क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग एंड फेल क्राइटेरिया ऑफ टेस्टिंग
आफ्टर परफॉर्मिंग द एवरी एग्जीक्यूटिंग द एवरी टेस्ट केस, उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा और उसका फेल क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो हमको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा. सेकेंड वन इज सस्पेंड क्राइटेरिया, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया टू बी यूज टू सस्पेंड द टेस्टिंग एक्टिविटी. ऐसी क्या चीजें होगी कि जब हमको हमारे टेस्टिंग को सस्पेंड करना पड़ेगा, यह हमको डिसाइड करके रखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज रिज्यूम क्राइटेरिया, दैट मीन्स स्पेसिफाइड टेस्टिंग एक्टिविटी विच मस्ट बी रीडन वेन टेस्टिंग इज रिज्यूम. सो हमारा रिज्यूम क्राइटेरिया क्या रहेगा वो हमको यहाँ पे डिसाइड करके रखना पड़ेगा. सो दीज आर द थ्री क्राइटेरिया जो हम सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग में डिफाइन करके रखेंगे. सो दीज आर द MSBT क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जाम. एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर द टेस्ट प्लान, एक्सप्लेन स्कोप मैनेजमेंट, वॉट इज टेस्ट प्लान, लिस्ट टेस्ट प्लानिंग एक्टिविटीज, एक्सप्लेन मेजर स्ट्रैटेजी इन डिसाइडिंग द टेस्ट अप्रोच, एक्सप्लेन सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर द टेस्टिंग. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द MSBT एग्जाम. समरी ऑफ लर्निंग, आज हमने डिस्कस किया अबाउट द टेस्ट प्लानिंग एंड द डिफरेंट एक्टिविटी अंडर द हैपन्ड अंडर द टेस्ट प्लानिंग. सो आज हमने चार एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द फर्दर एक्टिविटीज इन द टेस्ट प्लानिंग. थैंक यू.